हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आकिब एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको एक न्यू वैकेंसी के अबाउट शेयर करने वाला हूं। कंप्लीट डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूंगा, आप लोगों ने किस तरह से अप्लाई करना है, कौन सी वेबसाइट पर जाना है, क्या एजुकेशन रिक्वायरमेंट है, क्या एक्सपीरियंस चाहिए, क्या एज लिमिट चाहिए, हर चीज़ इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मैं अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक ज़रूर करें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई सजेशन या कोई भी चीज़ आप पूछना चाहें तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और हमेशा की तरह सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पर आपने जाना है। ये कतर एयरवेज़ की जानिब से जॉब्स अनाउंस की गई हैं, बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं इसमें, और आप इस वेबसाइट का लिंक जो है मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप लोग वहां पर जाके उसको कॉपी करके गूगल पे पेस्ट करें या फिर क्लिक करके जाएं, या फिर आप डायरेक्टली भी सर्च कर सकते हैं कतर एयरवेज़ करियर के नाम से। आप लोग जो पहली वेबसाइट आएगी वहाँ पर आप लोग चले जाइएगा और वो आपको इस पेज पर ले आएगा। तो सबसे आसान तरीका यही है कि आप लोग इस वेबसाइट को जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है वहाँ से कॉपी करें और गूगल में पेस्ट करें तो आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे, ठीक है। कतर एयरवेज़ की जानिब से बहुत सारी वैकेंसीज़ अनाउंस की गई हैं, जिसमें कैबिन क्रू की है, इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, कार्गो की है, हर तरह की वैकेंसीज़ अनाउंस की गई हैं, ठीक है। इस पर आएँगे तो आप इसके बाद आप ये देखें ब्राउज बेस्ड, यहाँ पर आपको डिफरेंट ऑप्शन दे रहा है बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन, रिसेंटली व्यूड जॉब्स, इस तरीके से आपको बता भी रहा है, और उसके हर एक के सामने अप्लाई नाउ पे भी आप कर सकते हैं। या फिर आप नीचे आएंगे तो जॉब फैमिलीज़ में जैसे आपको चाहिए अल दर्ब कतर स्टेशन, यहाँ पर 16 जॉब्स हैं, ठीक है। फिर केबिन क्रू की देखें आप तो 68 जॉब्स हैं यहाँ पर, केबिन क्रू की और केबिन सर्विस की। इसके बाद आप नीचे देखें यहाँ पर कार्गो एंड एयरपोर्ट ऑपरेशन की 101 जॉब्स हैं, इसके साथ कॉरपोरेट एंड कमर्शल में 80 जॉब्स हैं जी। ये सारी कतर एयरवेज़ में हायरिंग हो रही है। सो कस्टमर सर्विस की 46 जॉब्स हैं, इसके बाद इंजीनियरिंग की 14 जॉब्स हैं, इसके बाद पायलट एंड फ्लाइट ऑपरेशन की देखें आप 12 जॉब्स हैं, इसके साथ स्पेशलिस्ट की जो जॉब हैं वो 3 जॉब्स हैं। तो आप फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपने इंजीनियरिंग का करना है, आपने यहाँ पर इंजीनियरिंग पर क्लिक कर दिया, ये लोड हो रहा है, जिस पर भी आप क्लिक करेंगे उसके अंदर ये चला जाएगा, फिर आपको वहाँ की अलग अलग सारी की सारी जॉब्स दिखाएगा। जैसे यहाँ पर सबसे पहले आ रही है एयरक्राफ्ट मैकेनिक सिंगापुर की जॉब है, नीचे थोड़ा बहुत इसका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, ये मैं आपको मज़ीद बताऊंगा कि किस तरीके से आप फुल रीड कर सकते हैं। फिर लाइसेंस्ड एयरक्राफ्ट इंजीनियर की है, ड्यूटी इंजीनियर की सिडनी ऑस्ट्रेलिया की है, स्टेशन मेंटेनेंस मैनेजर की सिंगापुर की जॉब है, टेक्निकल ऑफिसर PTC लॉन्गस की जॉब है, ड्यूटी इंजीनियर सिंगापुर की मैकेनिकल टेक्नीशियन, इस तरीके से आप लोग ना इसमें देख सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बता रहा हूँ कि मैं प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर में मैं इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है, तो मैं इस पर टच करूँगा, ठीक है। फिर ये इसके अंदर मज़ीद जाके मुझे बताएगा कि किस तरीके से मैं क्या अप्लाई कर सकता हूँ और क्या उसकी जॉब रिक्वायरमेंट है, हर चीज़ ये बताएगा, ठीक है। फिर आप जैसे प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर का हमने किया था वो लोड हो गया पेज, ठीक है। लोग अप्लाई करने के लिए आप डायरेक्ट अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने फॉर्म आएगा, फॉर्म को आप फिल करेंगे, उस तरीके से अप्लाई करेंगे। डिस्क्रिप्शन आप देखना चाहें अबाउट द रोल, जिस जॉब पे आप क्लिक करेंगे उसके अबाउट आ गया, ठीक है। आर यू मास्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मास्टर ऑफ मल्टी टास्किंग, ये आप इस तरह से रीड करेंगे। फिर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी हुई हैं, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी वो आपको बताई हुई हैं, हर जॉब के अबाउट में इस तरह बताया होगा, ठीक है। क्वालिफिकेशन जो चाहिए, बैचलर्स डिग्री चाहिए इक्विवेलेंट विद मिनिमम 6 ईयर्स ऑफ जॉब रिलेटेड एक्सपीरियंस, तो आपको बैचलर डिग्री चाहिए और साथ में 6 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तो आपको हर एक वीडियो के अंदर हर एक जॉब के अंदर उसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दे रहा है, अप्लाई नाउ ऊपर भी था, अप्लाई नाउ नीचे भी है। तो आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको एक फॉर्म में सामने ओपन हो जाएगा, उसमें अपनी फिर डिटेल्स पुट करेंगे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, CNIC वगैरह, ये सब डिटेल्स अपनी पुट करेंगे, वहाँ से फिर आप अप्लाई कर लेंगे। इसी तरह मैं आपको एक और ओपन करके दिखा देता हूँ, जैसे ये वापसी बैक मैंने किया तो इंजीनियरिंग की जॉब पे ही आया है, ठीक है। अभी मैं बैक करके वहीं पे फर्स्ट पेज पे दोबारा जाता हूँ, जहाँ पर आपको मैं दिखा रहा था किस तरीके से आप लोगों ने अलग अलग जगहों पे अप्लाई करना। अब जैसे ये है कि कार्गो की जगह ये केबिन क्रू देख लेते हैं, केबिन क्रू की जॉब्स बहुत सारी आती हैं। अच्छा, ये कार्गो एंड एयरपोर्ट ऑपरेशन, यहाँ 101 जॉब्स हैं, ठीक है। तो आप कार्गो एंड उसमें चले गए, ये कार्गो की जॉब्स आपको शो कर रहा है। फिर आप देखें यहाँ पर
बहुत सारी जॉब सामने आ गई, ग्राउंड हैंडलिंग एजेंट 1 की, सीनियर कार्गो कस्टमर सर्विस एजेंट की, ट्रेनिंग मैनेजर की, कतर एयरक्राफ्ट कैटरिंग कंपनी रिक्रूटमेंट। तो फॉर एग्जांपल अब मैं ट्रेनिंग मैनेजर के लिए मैं इंटरेस्टेड हूँ और मैं इसमें जाना चाह रहा हूँ। अब ये लोड करेगा उसी तरीके से जैसे पहले देखें लोड हो गई है और आपको उसी तरीके से ये सारी चीज़ें सामने दिखा रहा है। अप्लाई नाउ पर क्लिक करके डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, फिर इसके बारे में रीड कर सकते हैं। एज अ ट्रेनिंग मैनेजर यू विल रिस्पॉन्सिबल, देखा ये आपको बता रहा है। एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताई हैं, फिर एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताई हैं। बी अ पार्ट ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टोरी, ये आप पढ़ लीजिएगा। क्वालिफिकेशन लाजमी पढ़िएगा, हर एक में जाके हैव कम्प्लीट मिनिमम ऑफ बैचलर डिग्री एंड शुड होल्ड अ मिनिमम ऑफ 6 ईयर्स एक्सपीरियंस, ठीक है। तो ये आपको अप्लाई का तरीका भी बता रहा है नीचे। इफ़ यू आर रेडी टू ट्रांसफॉर्म आवर मिलियंस, तो आप लोग यहाँ पर नीचे अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे और CV कंप्लीट करेंगे जिस तरह से मैंने आपको फॉर्म का बताया। तो ये कतर एयरवेज़ की जानिब से बहुत सारी जॉब्स अनाउंस की गई हैं जिनका मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। आप लोग इनमें ज़रूर अप्लाई करें। इनमें कोई भी चीज़ आपको समझ ना आए आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, हर चीज़ का मैं आपको आंसर दूंगा। फॉर्म फिल करना समझ ना आए मैं आपको फॉर्म पर अलग वीडियो बनाकर दूंगा जिसके ज़रिए आपको हेल्प होगी कि आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जिनको इस वक्त जॉब्स की नीड है, जो अप्लाई कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी वीडियोस लेकर आता हूँ आपके लिए, आपको इंफॉर्मेटिव वीडियोस देता हूँ आपकी जॉब्स के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।